हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ फिजा, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट बंसल अकेडमी चंडीगढ़। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट HPPGT मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है देन यू मस्ट हैव 2 टॉपिक्स ऑन योर टिप्स। फर्स्ट वन इज़ रियल एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज़ लीनियर अलजेब्रा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एग्ज़ाम विल कवर फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स। तो अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये दोनों टॉपिक्स तो टिप्स में होने चाहिए, राइट? ओके, तो टॉपिक दैट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कार्डिनलिटीज ऑफ अ सेट। तो कार्डिनलिटी होता क्या है? ये जो काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी 2 वर्ड्स लिखे हैं ना मैंने, एक्चुअल में ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मस्ट नो दैट कार्डिनलिटी होता क्या है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर ए सेट है, सपोज सेट ए है, सेट ऑफ ऑल द वोवल्स, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट करोगे, आप बताओगे कि सेट में तो 5 एलिमेंट्स हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ए सेट की कार्डिनलिटी 5। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपसे पूछती हूँ अगर बी सेट मेरा अल्फ़ाबेट्स का सेट है देन व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट? आपको पता है कि इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप बोलोगे कि बी सेट में 26 एलिमेंट्स हैं, सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज़ 26, राइट? ओके, अब मैं पूछती हूँ एक सेट लिया सी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलर विद दिस सेट। तो मैं पूछती हूँ कि नेचुरल नंबर के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब आप फंस गए, आप सोचने बैठ गए कि 1 2 3 4 गिनते रहे। रुको कहाँ पे? आपको पता ही नहीं कहाँ रुकना है ना? इसमें आपको पता था 5 तक रुकना है, 5 एलिमेंट्स है, आपने बता दिया। सेट बी में 26 एलिमेंट्स है, आपने बता दिया। इसका क्या करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, जिसका पता ही नहीं हमने रुकना कहाँ है ना? तो नेचुरल नंबर्स वाला सेट ना बेचारा नाराज़ हो गया, इसके साथ और भी बड़े नाराज़ हो गए। इंटीजर्स का सेट, रैशनल का सेट, इरेशनल का सेट, रियल्स का सेट, जो कि इनफाइनाइट थे और उनके कार्डिनलिटीज़ बता नहीं पा रहे थे। तो हुआ क्या, मैथमेटिशियंस ने ना इनकी कार्डिनलिटीज़ को भी ना नाम दे दिया। तो सबसे पहले ये ना नेचुरल नंबर का सेट ना सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट है, तो इधर से स्टार्टिंग हुई। इट इज़ द, ये मैं कहानियाँ नहीं सुना रही हूँ, इस पर क्वेश्चन है आपके प्रीवियस में, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। तो इससे स्टार्टिंग होती है। मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसकी कार्डिनलिटी को भी ना नाम देते हैं, क्योंकि इसको भी तो बेचारे को काउंट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो काउंट कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी को नाम दिया गया एलफ नोट। ये नोटेशन है एलफ नोट की, एलफ नोट। तो एलफ नोट है क्या? इट इज़ द स्मॉलेस्ट ट्रांस इनफाइनाइट नंबर। क्या है ये? स्मॉलेस्ट ट्रांस इनफाइनाइट नंबर। ट्रांस इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं? देखिए, जैसे हम 5 एलिमेंट्स वाले सेट को कार्डिनलिटी को बता पाए कि 5 एलिमेंट्स थे, 26 एलिमेंट्स वाले सेट को बता पाए 26 एलिमेंट्स थे, तो इनकी हम काउंटिंग कर पाए, 26 बोल दिया, 5 बोल दिया। तो ट्रांस इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी को बताते हैं, जैसे रियल की कार्डिनलिटी को, जैसे कि रैशनल्स की कार्डिनलिटी को, इरेशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी को। तो ट्रांस इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी को बताते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांस इनफाइनाइट नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट था, इसीलिए एलफ नोट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट ट्रांस इनफाइनाइट नंबर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ आया कि कार्डिनलिटीज़ के बेस में ना ये 2 वर्ड्स हैं, इसको समझना पड़ेगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछेगा, पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेस्ड ऑन कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट वी कैन कैटेगराइज सेट्स इनटू 2 हाफ्स। एक तो है फाइनाइट सेट्स और एक होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स तो आपको पता ही है, जिसमें गिने चुने एलिमेंट हो। वोवल्स के सेट में 5 एलिमेंट थे, गिने लिए। अल्फ़ाबेट्स के सेट में 26 एलिमेंट्स थे, आपने काउंट कर लिए। जिनको आप गिने चुने हो ना और आप फिक्स नंबर बता पाओ, उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? आप कहोगे जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, नेचुरल्स, रियल्स, रैशनल, इरेशनल, तो क्या सारे एक जैसे हैं? ऐसा नहीं है, इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, वो ही हैं। एक तो है काउंटेबली इनफाइनाइट, इनकी कैटेगराइजेशन में ये 2 वर्ड्स आते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स एंड दूसरे हैं अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है। तो देखिए काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल वर्ड लगा है तो है तो ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट सेट्स है, ये भी इनफाइनाइट सेट्स है, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट्स की हमने कैटेगराइजेशन की है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या है? ऐसे इनफाइनाइट सेट्स जो है तो मतलब इनफाइनाइट, रुक तो नहीं रहे, हमें नहीं पता कहाँ रुकना है, बट काउंटेबल है, दैट कैन बी पुट अंडर काउंटिंग प्रोसेस। उनको आज गिनना स्टार्ट करें। मान लो मैं कहती हूँ आप 1,00,000 करोड़ तक काउंट करो, तो आप आज से स्टार्ट करते हो 1 2 3 लगे रहे, रात को भी नहीं सोए। मान लो आपको 3 दिन लग गए 1,00,000 करोड़ तक पहुँचने में, बट यू आर एबल टू काउंट ना। ऐसा तो नहीं है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, यू आर एबल टू डू दैट, मतलब यू आर एबल टू पुट दैट सेट अंडर अ काउंटिंग प्रोसेस, है ना। तो इसीलिए ऐसे सेट्स को जिनको काउंटिंग प्रोसेस के अंडर डाला जा सकता है, जिनको काउंट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं काउंटेबल सेट्स। देखो काउंट तो आप फाइनाइट को भी कर पाए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इनको भी काउंटेबल सेट्स बोलते हैं, बट क्योंकि ये फाइनाइट है, ये है काउंटेबली इनफाइनाइट। ये डिपेंड करता है, कई बुक्स वर्ड यूज़ करती है काउंटेबल सिर्फ इनफाइनाइट सेट्स के लिए, कई बुक्स वर्ड यूज़ करती हैं काउंटेबल फाइनाइट के लिए भी, बट एक्चुअल में यही चीज़ ठीक है, क्योंकि काउंटेबल मतलब जिन सेट्स की एलिमेंट्स की आप काउंटिंग कर सकते हो, तो इसके अंडर फाइनाइट सेट्स भी आते हैं एंड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स भी आते हैं। रूडिन की बुक है जैसे रियल एनालिसिस की, तो ये बुक स्टैंडर्ड बुक है और ये काउंटेबल वर्ड इन दोनों के लिए यूज़ करती है, ठीक है जी। ओके, अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा समझ नहीं आया। अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ, नेचुरल्स का सेट, यही दिया था मैंने बोला 1,00,000 करोड़ तक पहुंच जाओ। अब आपको पता है 1,00,000 करोड़ भी नेचुरल नंबर का सेट ही है, आपने आज से स्टार्टिंग काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 और 1,00,000 करोड़ तक पहुंच गए। यू आर एबल टू काउंट, यू आर एबल टू पुट दैट सेट इन अंडर अ काउंटिंग प्रोसेस, इसीलिए ये काउंटेबल सेट है। अब अनकाउंटेबल की एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको डिफरेंस क्लियर होगा। देखिए जैसे रियल्स का सेट, आपको पता है स्क्वायर रूट 2 एक रियल नंबर है, ऑब्वियसली रैशनल इरैशनल दोनों ही रियल्स में आते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बोलती हूँ रूट 2 से स्टार्टिंग कीजिए, रूट 3 तक पहुँच जाओ, आपको लगेगा कितने तो नज़दीक है, टाइम ही नहीं लगना पहुँचने में। ये होता है 1.41 समथिंग, ये होता है 1.73 समथिंग, है ना। इतना ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा आपको, आपने सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे। अच्छा बताती हूँ अभी, स्टार्ट तो करो, कैसे पहुँचोगे? आपने रूट 2 से स्टार्टिंग की, अगला नंबर बोलना ज़रा, बता पाओगे? आपको अगला नंबर ही नहीं पता, आपको इतना ही नहीं पता कि स्क्वायर रूट 2 के अगला इरेशनल कौन सा है। आप कहोगे स्क्वायर रूट 2 के अगला इरेशनल रूट 3 है, अगला ही रूट 3 है, गलत है। क्यों रूट 3 है? इन दोनों की एवरेज करो ज़रा, ये भी तो इरेशनल नंबर ही है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हम 10th में पढ़ के आए हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ अगेन इरेशनल नंबर। एंड एवरेज वाला, दो चीज़ों को मीन ले लेना, वो इसके बीच में ही आता है, तो आप तो बता ही नहीं पाए। अच्छा फिर आप कहोगे चलो इसको बोल देते हैं अगला इरेशनल नंबर, आप फिर भी गलत हो। अगर आपने बोल दिया कि रूट 2 के बाद ये इरेशनल नंबर है, मैं अगेन इन दोनों की एवरेज ले लूँगी, तो क्या मतलब समझ आया? आपको अगला इरेशनल नंबर पता ही नहीं है, सॉरी इरेशनल तो छोड़ो, आपको अगला रियल नंबर ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं स्क्वायर रूट 2 के बाद वाला रियल नंबर कौन सा है। आप जो भी नंबर बोलोगे मैं फर्स्ट दोनों की एवरेज ले लूँगी, आप गलत हो जाओगे। इसमें तो मुझे पता था 1 के बाद 2 आने, 2 के बाद 3 आने, बिकॉज नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, एक डिस्टेंस दूर बैठे हैं, फिक्स है, उनका कोई स्टैंड है, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। आप बता ही नहीं पाओगे किसके बाद का अगला रियल नंबर कौन सा है, इसीलिए सेट इज़ अनकाउंटेबल। इसी पे ही आपका क्वेश्चन बेस्ड है, ये सेट क्या है? अनकाउंटेबल है। नेचुरल्स का सेट क्या है? काउंटेबल है। क्लियर है जी? ओके, तो अभी 3-4 चीज़ें और समझनी है, आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। अब आगे देखिए, इतना हमें समझ आ गया, नेचुरल का सेट काउंटेबल है, रियल का सेट अनकाउंटेबल है, राइट। अब देखिए अब हुआ क्या, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उनको ये 2 चीज़ें पता लगी, उन्होंने ना इनके जैसे और ढूंढने शुरू कर दिए, और इस चीज़ के लिए उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया वो यूज़ किए फंक्शंस। हाँ जी फंक्शंस। देखिए 2 सेट्स हैं आपके पास ए एंड बी, 2 सेट्स ए एंड बी है, ये दोनों आपस में सिमिलर कब होंगे, एक जैसे कब होंगे? तब होंगे जब दुनिया में कितने ही सारे फंक्शंस हैं, फ्रॉम ए टू बी दुनिया में कितने फंक्शंस हैं। ये एक आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, इन वन ऑफ द TGT वीडियो, कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए है। इतने सारे दुनिया में फंक्शंस हैं, अगर इतने सारे फंक्शंस में से इफ़ यू आर एबल टू फाइंड अ सिंगल बाइजेक्शन जो ए टू बी में बाइजेक्शन काम कर जाए, बाइजेक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ टू सेट्स ए एंड बी आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल फंक्शंस, कितने फंक्शन हैं, इतने सारे फंक्शन में से एक भी ऐसा फंक्शन मिल गया ना विच इज़ अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो दोनों सेट्स सिमिलर हो जाएंगे। ये ज़रूरी क्यों है, सिमिलैरिटी क्यों डिस्कस करने लगे, फंक्शंस को क्यों ले आए बीच में, इसीलिए ले आए क्योंकि नेचुरल्स नंबर की सेट की कार्डिनलिटी हमें अल्फ नोट पता थी। अगर मुझे इसके जैसे और सेट्स, इसके सिमिलर और सेट्स पता चल जाए ना तो मैं बता दूंगी कि उनकी कार्डिनलिटी भी उतनी ही है जितनी इसकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब दो सेट्स सिमिलर होते हैं ना तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, जितने ए में एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हमें सिमिलैरिटी चाहिए, इसीलिए हम फंक्शंस पे आए, इसीलिए हम बाइजेक्टिव फंक्शंस पे आए क्योंकि सिमिलर दो सेट्स तभी होते हैं। अगर उन दोनों सेट्स में आप एक भी बाइजेक्शन ढूंढ पाते हो तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किया उन्होंने, सोचा, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पता है कितनी मैजिकल चीज़ें हैं, आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। देखिए आपको ऐसा लगता होगा, वहम हो सकता है वैसे, कि अच्छा ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं वन के बाद वाले, ये तो क्लियर है आपको, और ये सारे इंटीजर्स हैं। अब आपको लगता है कि इंटीजर्स ज़्यादा है नेचुरल्स कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सोचते हो इंटीजर्स में नेचुरल तो आए ही आए, उसमें ज़ीरो भी आया, उसमें नेगेटिव वाले भी आए, तो भाई डबल से भी ज़्यादा है ऐसा लगता है, बट आप गलत हो। एक्चुअल में इंटीजर्स में जितने एलिमेंट्स हैं, जितनी पूरी रियल लाइन में इंटीजर्स हैं, उतने ही नेचुरल नंबर्स हैं। ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा ही है। ऐसा पता क्यों है, क्योंकि मैथमेटिशियंस ने, स्पेसिफिकली कैंटर एक मैथमेटिशियन ने थे जिन्होंने ये काम किया, उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये दोनों सेट्स ना सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए उन्होंने पता क्या किया, वो ना एक बाइजेक्शन ढूंढ पाए, ऐसी एक ऐसा फंक्शन ढूंढ पाए जो इन दोनों के बीच में वन वन ऑन टू का काम करता था। क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया तो दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम होगी, तो जितने ही इसमें एलिमेंट्स उतने ही इसमें एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स अल्फ नॉट थे, इसमें भी एलिमेंट्स अल्फ नॉट हो गए। नेचुरल्स का सेट काउंटेबल था तो इंटीजर्स का सेट भी काउंटेबल हो गया, ये चीज़ हुई। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब देख सुनने में तो बहुत वियर्ड लगता है बट ऐसा था। देखिए नेचुरल्स का सेट लिया, क्या आएगा इसमें, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन आएगा। इंटीजर्स का सेट लिया, इसमें देखो डबल से भी ज़्यादा लग रहे हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, ज़ीरो भी आएगा, नेगेटिव वाले भी आएंगे। अब मैं इनके अंदर एक फंक्शन बनाती हूँ, एक एक को ही मैप करेगा। एंड वन मोर थिंग, इसके हर एलिमेंट की ना इधर प्री इमेज मिलेगी ऑन टू, मतलब तो वन वन भी होगा, यानी कि एक एलिमेंट एक को ही जा रहा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स एक को जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वन वन भी चाहिए। एंड ऑन टू के लिए इधर का कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, इट्स एवरी एलिमेंट विल मस्ट हैव इट्स प्री इमेज, तो ऑन टू भी होगा जिसके कारण बाइजेक्शन बन जाएगी। तो आपको लगेगा कि यार इनको तो इन पर मैप कर देंगे तो इन पर कौन जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है इनकी प्री इमेज होएगी नहीं, ऑन टू होएगा नहीं, कोई बाइजेक्शन बनेगी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो मैप ढूंढा गया, जो बाइजेक्शन की तरह जिसने काम किया, वो ये था। कहते अगर तो n है इवन, इधर लिखती हूँ मैं, अगर तो n है इवन तो उसको उसके हाफ पर भेज दो, अगर तो n है ऑड तो उसको इसके ऊपर भेज दो। बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने। देखो अगर तो दो है, टू इज इवन, टू को भेजो वन पे, फोर को भेजो टू पे, सिक्स सिक्स आएगा, सिक्स को भेजो थ्री पे। आपको दिख रहा है कि ये वाले कवर हो रहे हैं, है ना, बाकियों को ये हैंडल कर लेगा। अगर एन ओड है, वन ओड है, वन को किसके ऊपर भेजोगे, वन पुट करो, माइनस वन बाई टू, जीरो को पर भेजोगे, वन को भेजो जीरो पर, ओके। थ्री को किस पे भेजोगे, थ्री ओड है, तो ये वाला फंक्शन लगेगा, थ्री पुट करो क्या आएगा माइनस वन, थ्री को भेजोगे माइनस वन। ऐसे ही फाइव माइनस टू पे जाएगा। आप क्या देख रहे हो सारे कवर हो रहे हैं और इधर से भी कोई छूट नहीं रहा, तो बाइजेक्शन बन गई। क्योंकि बाइजेक्शन बन गई सिंस वी आर एबल टू फाइंड अ बाइजेक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, बट डज दैट मीन दैट मीन्स बोथ द सेट्स आर सिमिलर। अगेन फर्दर बट डज दैट मीन्स दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है। आगे क्या पता चला, इसकी कार्डिनलिटी एलफ नॉट थी तो इसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी, एलफ नॉट होगी। और क्या पता चला, और ये पता चला नेचुरल्स का सेट तो काउंटेबल बोला था राइट, तो इंटीजर्स का सेट भी क्या हो गया, ये भी काउंटेबल हो गया, सेम ही एलिमेंट्स है दोनों में राइट। तो क्या पता चला नेचुरल्स का सेट काउंटेबल, रियल का सेट अनकाउंटेबल, इंटीजर्स का सेट काउंटेबल। अच्छा जी, दो चीज़ें और समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा आपका। आप देखिए भाई इंटीजर्स तो बने थे नेचुरल्स में, ज़ीरो जोड़ा और नेगेटिव वाले भी जोड़ दिए, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स थे एक्चुअल में। सिमिलरली जो होल है इसमें तो बेचारे में नेचुरल में सिर्फ ज़ीरो ही जुड़ा है, तो इसकी भी कार्डिनलिटी सेम है। और हमें देखने में ऐसा लगता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ज़ीरो, बट एक्चुअल में जितनी कार्डिनलिटी होल की है उतनी ही कार्डिनलिटी नेचुरल की है। और क्योंकि ये एलफ नॉट था, इसकी कार्डिनलिटी भी एलफ नॉट है। क्योंकि नेचुरल का सेट काउंटेबल था, होल का सेट भी काउंटेबल है, क्योंकि होल नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर के सेट के सिमिलर है। एंड क्योंकि ये वाला सेट काउंटेबल है, इट मीन्स होल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल है। क्या क्या पता चल गया, पता चला हमें नेचुरल्स का सेट काउंटेबल, इंटीजर्स का सेट काउंटेबल, होल का सेट काउंटेबल, रियल का सेट अनकाउंटेबल। ठीक है जी, एक चीज़ और अब देखिए, कोई भी रैशनल है, रैशनल का सेट डिफाइन ही ऐसे होता है p बाई क्यू सच दैट p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं। q नॉन ज़ीरो ले लो, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हो ना समथिंग बाय समथिंग, वो जो डिनोमिनेटर में है ना आपकी मजबूरी होती है उसको नॉन ज़ीरो लिखना ही पड़ता है, अदरवाइज दैट नंबर इज़ नॉट इवन डिफाइंड। फाइव बाई ज़ीरो डिफाइंड भी नहीं है, बिकॉज हाउ मैनी टाइम्स यू विल ऐड ज़ीरो टू गेट फाइव, पता ही नहीं। फोर बाई टू आपको पता है, हाउ मैनी टाइम्स यू विल ऐड टू टू गेट फोर, दो बार। ठीक है, इसका पता ही ना जीरो को कितनी बार ऐड करोगे, फाइव आएगा कभी नो डिफरेंट। जब भी आप p बाई क्यू लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, डिनोमिनेटर को बताना पड़ता है कि दैट हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो। साथ में होता है p एंड q का जीसीडी एक। अब मुझे बात बताइए, पूरा का पूरा रैशनल्स का सेट ना, एक रैशनल नंबर दो इंटीजर्स चूज करता है, एक रैशनल बन जाता है। टू बाई थ्री रैशनल नंबर है, कैसे बना, इसने दो इंटीजर्स चूज़ किए, एक टू चूज़ किया, एक थ्री चूज़ किया, दोनों को लिया एक रैशनल बना दिया। तो आपको समझ आई कि रैशनल का सेट ना एक्चुअल में इसके सिमिलर है। ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिखा कि आप ना कोई भी इंटीजर लो p, आप कोई भी इंटीजर लो q, बट वो q नॉन ज़ीरो लेना है। इसीलिए मैंने लिखा जो डिनोमिनेटर के लिए q इंटीजर लेना है वो सेट ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स में से लेना, इसलिए मैंने सेट में से ज़ीरो हटाया है। ठीक है, तो जो रैशनल्स का सेट है वो इसके सिमिलर है, बिकॉज आप कोई भी दो इंटीजर्स चूज़ करते हो और दूसरे वाला नॉन ज़ीरो और आपका एक रैशनल नंबर बन जाता है, तो ये इसके सिमिलर हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल कैसे है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट काउंटेबल था, इंटीजर्स में से ज़ीरो हटाया, वो तो कम ही किया उल्टा, वो भी काउंटेबल है। और फिर मैंने क्या लगाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और ना एक रिजल्ट होता है, ये भी आपके काम का है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि फाइनाइट सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। कि आप फाइनाइटली मैनी काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हो ना, वो काउंटेबल ही रहता है। मैंने दो का ही तो किया, दो काउंटेबल सेट्स का ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, अगेन दिस विल बी अ काउंटेबल सेट। तो क्योंकि अभी ये दोनों सेट्स सिमिलर है, ऑब्जर्वेशन से पता लगा ये सेट काउंटेबल है, तो ये भी सेट काउंटेबल हो गया। तो क्या समझ आई, समझ हमें ये आया रैशनल का सेट भी काउंटेबल है। तो भाई अब हम सोचने लगे सारे काउंटेबल आ रहे हैं रियल को छोड़ के, अनकाउंटेबल और भी है कोई रियल के अलावा है। देखिए आपको इतना पता है रियल का सेट इन दोनों से ही बना है। ये क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ऑल द रैशनल्स आर एंड इरेशनल्स आर डेंस इन द ऑन द रियल लाइन। आंखें बंद करोगे, रियल लाइन के ऊपर फिंगर रखोगे ना, आपको रैशनल मिल जाएगा, थोड़ा सा इधर जाओगे इरेशनल मिल जाएगा। भरे पड़े हैं पूरी रियल लाइन के ऊपर, डेंस है। डेंस का मतलब क्या होता है? संगना। भरे पड़े हैं पूरी रियल लाइन के ऊपर। तो अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल सेट था और ये काउंटेबल सेट था, और आपने अनकाउंटेबल सेट में से अगर काउंटेबल सेट निकाल दोगे तो इरेशनल आएगा। अब ये समंदर है, अनकाउंटेबल है, ये समंदर है, ये काउंटेबल है, ये एक पानी का गिलास। समंदर में से पानी का गिलास निकाल दोगे, फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी अनकाउंटेबल है, राइट? क्योंकि रियल्स अनकाउंटेबल है, उसमें से काउंटेबल सेट मैंने निकाल दिया, नहीं पड़ने वाला फ़र्क। ये भी अनकाउंटेबल सेट है। तो आपको ये समझ आया कि ऑल्दो बोथ रैशनल्स एंड इरेशनल्स आर डेंस ऑन रियल नंबर, बट मेजर ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ ज़ीरो। मतलब ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है रियल लाइन पे, वो इरेशनल्स है। रैशनल्स है तो बहुत भरे पड़े, लेकिन रैशनल्स काउंटेबल है, इरेशनल्स अनकाउंटेबल है, रियल्स भी अनकाउंटेबल है। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द थिंग्स दैट वी हैव डन नाउ। क्या समझ आई? नेचुरल्स का सेट सबसे पहले, इंटीजर्स के सिमिलर, होल के भी सिमिलर क्योंकि एक ही जोड़ा था, और रैशनल्स के भी सिमिलर। तो यहाँ से समझ आता था इन सब की जो कार्डिनलिटी है वो है अल्फ नोट। और हमें ये समझ आता था कि ये जो सारे सेट्स हैं, नेचुरल्स, इंटीजर्स, होल का, रैशनल्स का, ये सारे हैं काउंटेबल। एंड जो रियल का सेट है ये है अनकाउंटेबल। एंड रियल में से काउंटेबल हमने हटाया है, इरेशनल आया। अनकाउंटेबल से काउंटेबल हटाओगे, अनकाउंटेबल ही रहेगा। और क्योंकि इनकी कार्डिनलिटीज़ को नाम अल्फ नोट दे दिया था, तो ये दोनों हो गए नाराज़। अनकाउंटेबल ये रियल नंबर का सेट और इरेशनल का सेट, कहते हैं कि हमारे भी सेट की कार्डिनलिटी को नाम दो भाई। तो इनकी सेट की कार्डिनलिटी को भी नाम दे दिया गया, उसको बोलते हैं, इनके सेट्स की कार्डिनलिटी को नाम दिया गया सी से। सी क्या है पता है? कंटिनम। तो कंटिनम जो है रियल्स के सेट की कार्डिनलिटी को बताता है एंड इरेशनल के सेट की कार्डिनलिटी को बताता है। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखना आप बताते हैं इन लेस देन अ मिनट। देखिए क्वेश्चन आपके आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल। फर्स्ट है रियल में से रैशनल गायब कर दो, साथ साथ देखना स्टार्ट कीजिए आप। रैशनल में से इंटीजर्स गायब कर दो, रियल में से इंटीजर गायब कर दो, रियल में से नेचुरल्स गायब कर दो। हाँ जी, बताइए इनमें से कौन सा सेट है आपका काउंटेबल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रियल में से रैशनल हटाओ। आपको पता है रियल में से रैशनल हटाओगे इरेशनल्स हाथ में आएंगे। हम तो अभी करके आए हैं। ये अनकाउंटेबल सेट है क्योंकि इरेशनल सेट की कार्डिनलिटी रियल की कार्डिनलिटी के सेम होती है, कंटिन्यूम। एक चीज़ और बता दूँ, 2 की पावर अल्फ नोट ही होता है। ये कैंटर की थ्योरी है अलग से, वी विल डिस्कस लेटर इन अवर रेगुलर क्लासेस। तो ये तो आपको पता है अनकाउंटेबल है, ओके, क्रॉस दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, रैशनल में से इंटीजर गए, रैशनल काउंटेबल है, इंटीजर्स भी काउंटेबल है। वैसे नहीं बोल देना कुछ बचा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना है सारे के सारे कोई इंटीजर्स रैशनल थोड़ा होते हैं। आप देखो ना, ये मैंने अगर ऊपर से नंबर लाइन बना भी देती हूँ तो रैशनल तो फ्रैक्शंस वाले नहीं है, जैसे हाफ आ गया, इधर 3/2 आ गया। आपने रैशनल से इंटीजर हटाए तो नॉन इंटीग्रल रैशनल्स अभी बचे हैं, तो ये सेट काउंटेबल आएगा, ये आएगा काउंटेबल। कोई बात नहीं, हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। देखिए अनकाउंटेबल, ये तो समंदर है, समंदर में से मैंने इंटीजर हटाया, इंटीजर का तो काउंटेबल सेट होता है। समंदर में से अनकाउंटेबल सेट से काउंटेबल हटाओगे अनकाउंटेबल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उन्होंने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल? क्रॉस। ये क्या है? रियल्स का सेट। अनकाउंटेबल सेट है। नेचुरल्स का सेट क्या है? काउंटेबल है। अनकाउंटेबल सेट में से काउंटेबल हटाओगे, समंदर में से पानी गिलास का निकालोगे, क्या आएगा? अनकाउंटेबल। डी ऑप्शन क्रॉस, बी ऑप्शन इज आंसर। राइट, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था लास्ट टाइम जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, देन फोकस ऑन रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। राइट, ओके, गुड लक फॉर योर प्रेपरेशन। थैंक यू।